कहानी का टाइटल ऑपरेशन थिएटर कि मेरे अंदर के बच्चे को खा गया वो दिन, से सुना था पर अब आ गया वो दिन, जिंदगी और मौत का सवाल देखना पड़ा, ना जाने मुझे क्यों अस्पताल देखना पड़ा। मेरी बीवी की तबीयत ने मेरी आंखें खोल दी, मेरी दिल ने मानो कुछ धड़कने छोड़ दी, समझ नहीं आ रहा था क्या खोने वाला हूँ मैं, जो था वो गया, अब कुछ अलग होने वाला हूँ मैं, ना जाने मुझे क्यों दिलासा देकर गए वो, मेरे सामने से मेरी बीवी को लेकर गए वो, काश उसका दर्द मैं सह रहा होता, उसकी चीखों को सुनने से अच्छा कि मैं बहरा होता। अंदर ऑपरेशन चल रहा था, लोग लगे हुए थे और हर तरह के आंसू मेरी आंखों में सजे हुए थे, जब जब ओटी का दरवाजा खुलता मेरी धड़कनें रुक जाती, मेरी हाथों की लकीरें तपती फिर दुख जाती, अंदर क्या चल रहा था कोई बता नहीं रहा था, और एक समय आया मैं भी कुछ सुनना चाह नहीं रहा था, मार रहा था मुझे ये गंदा इंतजार, मैं नहीं बैठ सकता था और रोटी के बाहर, मैं मंदिर गया और गुजारिश की, मेरी बीवी को जिंदा रखना ये सिफारिश की, मैंने याद किए वो लम्हे जो उसके साथ बिताए थे, जब मैंने उसके लिए आसमां में तारे सजाए थे, मैंने हाथ जोड़ के बोला कुछ अलग नहीं वही चाहिए, मुझे मेरी बीवी चाहिए और सही चाहिए। वापस आया तो देखा भगदड़ मची हुई थी, सबकी कदमों और आवाजों का शोर था, मैं वहां दुआएं मांग रहा था सलामती की, पर यहां देखा तो नजारा कुछ और था, खामोशी को मुंह में गाढ़ आए, डॉक्टर 4 घंटे बाद ओटी के बाहर है। उन्होंने अपने चेहरे पे संतावना को सजाया, मुझसे पहले कुछ मेरे माँ बाप को बताया, माँ बाप ये सुनकर मुझसे दूर गए भाग वो, मैंने सांसें छोड़ दी देख कर खून के दाग को, मैंने खिड़की से देखा तो बहुत कमजोर लगी मुझे, फिर उसने मुझे देखा और अपनी आंखें खोली, वो रोने लगी और हंसने लगी एक साथ, मुझे पास बुलाया मेरे कानों में कुछ बोली, जब उसने बताया कि क्या हुआ असल में, खड़ी जमी पे गया फिसल में, मैं भाग के गया बीवी की उस तरफ, सारी सच्चाई रखी थी जिस तरफ, मैंने देखा कपड़े से ढकी लेटी हुई थी, मैं बाप बन गया था मुझे बेटी। शुक्रिया हालातों का दर्द बुनने के लिए, शुक्रिया तन्हाई का मुझे चुनने के लिए, आप साथ में बोलिए कि शुक्रिया हालातों का दर्द बुनने के लिए, शुक्रिया तन्हाई का मुझे चुनने के लिए, खैर अब क्या रोए आप लोगों के सामने, काना भाई खैर अब क्या रोए आप लोगों के सामने, आप लोग तो आए थे दर्द सुनने के लिए।